दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। तमिलनाडु के छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। वे 12वीं पास करने के बाद अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अब उन्हें नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 12वीं के अंकों के आधार पर ही एडमिशन मिल जाएगा। ये तय हुआ सोमवार यानी कि 13 सितंबर को, जब तमिलनाडु विधानसभा ने एमके स्टालिन सरकार के उस बिल को पारित कर दिया जिसमें नीट के बिना ही मेडिकल एडमिशन देने की बात कही गई है। सत्तारूढ़ डीएमके के अलावा लगभग सभी विपक्ष दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है सिवाय बीजेपी के। बिल को लेकर हुई बहस के दौरान बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई। इस विधेयक के कानून बनने के बाद तमिलनाडु में नीट परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 12वीं क्लास के नंबरों के आधार पर ही एडमिशन दे दिया जाएगा। स्टालिन सरकार का कहना है कि उसने एक उच्च स्तरीय समिति के सुझावों के आधार पर ही ये विधेयक लाने का फैसला किया है। बिल के पास होने के बाद अब तमिलनाडु में ग्रेजुएशन लेवल की मेडिकल शिक्षा जैसे कि MBBS, BDS, BHMS के लिए नीट परीक्षा पास करने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। केवल 12वीं पास के अंकों के आधार पर ही दाखिला मिल जाएगा। इसके लिए मिनिमम कितने प्रतिशत नंबर चाहिए होंगे यह भी साफ नहीं हो पाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सभी पार्टियों के विधायकों से इस बिल को पारित कराने के लिए सहयोग मांगा था। आज तक संवाददाता प्रमोद माधव की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम स्टालिन ने कहा है कि डीएमके सरकार चाहती है कि केंद्रीकृत परीक्षा से उनके राज्य के छात्रों को छूट दी जाए, इसलिए इस विधेयक के माध्यम से सरकारी और निजी संस्थानों में मेडिकल स्नातक की सीटों के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। सीएम स्टालिन ने कहा कि नए कानून के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को सीट आवंटन में 7.5% वरीयता मिलेगी। दरअसल सरकार का मानना है कि अगर 12वीं के नंबरों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा तो सभी को मौका मिलेगा और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सकेगा। स्टालिन ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और कमजोर समुदायों के छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम एकमात्र द्वार नहीं होना चाहिए। शनिवार यानी कि 12 सितंबर को देशभर में नीट की परीक्षा हुई। डॉक्टर बनने की चाह रखने वाले लाखों छात्र छात्राओं ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 सितंबर की रात तमिलनाडु में एक 19 साल के छात्र ने सुसाइड कर लिया था। धनुष नाम का ये छात्र 2 बार नीट की परीक्षा दे चुका था और इस दफा 3री बार परीक्षा देने वाला था। कथित तौर पर नीट परीक्षा में असफल हो जाने के डर से उसने ये कदम उठाया। इस घटना ने तमिलनाडु समेत देश के हर उस छात्र को हिला दिया जो किसी न किसी प्रकार की उच्च शिक्षा की तैयारी में लगा हुआ है। धनुष का मामला सोमवार को विधानसभा में भी गूंजा। पूर्व सीएम और अब विपक्ष के नेता के पलानी स्वामी ने कहा कि डीएमके ने नीट परीक्षा रद्द करने का वादा किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और राज्य के छात्र इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं डीएमके सरकार ने इसका ठीकरा केंद्र के सर पर ही फोड़ दिया। सीएम स्टालिन ने कहा कि पलानी स्वामी के सीएम रहते हुए केंद्र ने नीट का आयोजन किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि हाल के सालों में पलानी स्वामी के सीएम रहते कई छात्रों ने आत्महत्या की है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।